रुकेंगे। तो कल के टेस्ट पेपर, कल के सॉरी जो हमारा प्रैक्टिस चल रहा था, उस प्रैक्टिस में आप लोग यहाँ क्वेश्चंस किए थे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 40, 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कल के पेपर में सॉल्व कर लिए थे। एनसीईआरटी के कंटेंट को यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। तो एक बार सभी लोग, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हैं जो फटाफट कमेंट्स के माध्यम से बता रहे हैं। प्रिया मिश्रा, एस्टेट रेफरेंसेस, हम ऐप में क्लास लेना चाहते हैं, UPTGT सर, डिस्काउंट दे दो कुछ। प्रिया मिश्रा, अब बेटा कोई डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट जब था, जब डिस्काउंट ता है तब आप लोग कोर्स परचेस कर लिया करो, अभी भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, 2999 रुपये, मात्र 2999 रुपये है, फीस पेड करो और क्लास पढ़ो। बेटा बहुत क्लास पढ़ाता हूँ, एक दिन में 5 से 6 घंटे आपको क्लास देते हैं, 12 महीने क्लास चलेगी, सोचो एक दिन में 5 से 6 घंटे क्लास, एप्लीकेशन और यूट्यूब मिलाकर लगभग 7 से 8 घंटे क्लास देते हैं और 12 मंथ क्लास चलेगी। तो फीस बहुत ज्यादा नहीं है, आप उसके लिए परेशान ना रहो, अपना कोर्स परचेस करके और क्लासेस करना शुरू कर दो। सर आज सोने में मजा आ गया, अच्छा अच्छा हुआ विनय वर्मा, सो लिए कम से कम इसी बहाने आप। तो चलिए हम करते हैं आप क्वेश्चन की शुरुआत। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर है और आप सभी लोग इस सवाल को पढ़ेंगे और फटाफट करेंगे आंसर। क्वेश्चन 41 देखो क्या कह रहा है, अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर ट्रू सिलोमेट विद वाई लेटर सिमेट्री, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर द्विपक्षी के साथ सच्ची कोलोमेट नहीं होगा, सिलोमेट का मतलब सच्चे गुहिक, हिंदी मैंने बताया ना ट्रांसलेट होती है इसलिए ऐसा होगा। आप बताओ, अंग्रेजी पढ़ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर ट्रू सिलोमेट विद वाई लेटर सिमेट्री। तो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होंगे, आपने कहा एस्केल हेलमेंथीस होंगे, प्लेटी हेलमेंथीस मेंबर्स होंगे और एनिलिड्स होंगे। सबसे पहले तो में एडल्ट स्टेज में अलग अलग सिमेट्री पाई जाती है, तो वहां पर रेडियल पाई जाती है और आपने का बाइलेटरल पाई जाती है। तो ये एडल्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कैसी होती है रेडियल, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एस्केल हेलमेंथीस ट्रिसिलोम नहीं है, सीडोसिलोमेट होता है। प्लेटी हेलमेंथीस आपने का असिलोमेट होता है। तो सबसे पहले ट्रिसिलोम है और बाइलेटरल सिमेट्री है, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, एनिलिड्स। एनिलिड्स इज द राइट आंसर। दैट क्वेश्चन नंबर 41, 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो आपने का इसका होगा एनिलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 42, और आप सभी लोग पढ़ेंगे इसका करेंगे आंसर। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, फेरेटिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव्स ड्राइव्ड नॉरिशमेंट फ्रॉम। अब देखो फेरेटिमा पोस्टमा को हम लोग कह देते हैं क्या, आपने का कैचुआ, और इसके रिलेटिव्स यानी इससे संबंधित जो भी अन्य एनिमल्स है वो न्यूट्रिशन नॉरिशमेंट कहाँ से लेता है, फेरेटिमा और उसके करीबी रिश्तेदार पोषण प्राप्त करते हैं, बताइए, सुगर केन रूट से, गन्ना की जड़ों से, डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से, आपने का सॉइल इंसेक्ट से, स्मॉल पीसेस ऑफ फ्रेश फॉलन लीव्स और मैट्स। तो क्या आप बता पाओगे, देखो सबसे पहले तो आपको बता दें कैचुआ हुआ या इससे संबंधित जो भी अन्य एनिमल्स हैं ये डेट्राइटस हैं। ये कैसी है, डेट्राइटस। और अगर हम डेट्राइटस की बात करते हैं तो बेसिकली इनको अपरद कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, अपरद। और अपरद का मतलब जो फूड मटेरियल आपने का बेसिकली सॉइल ऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हैं उन्हें हम डेट्राइटस या उन्हें हम अपरद कह देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से ये क्या करता है, अपना भोजन अपना पोषण तत्व ग्रहण करता है। तो करेक्ट आंसर आप लोग बता पा रहे हो क्या सभी मित्र, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। क्या बात है, एच एल प्रीति चौधरी और अमृता पांडे, राजू विशाल, सुधीर रश्मि, उषा पांडे, प्रियंका, सीमा, कोमल, विनय, निकिता, हाँ जी रुचि, आदित्य, राम राम, नमस्ते भाई, जानकी राजपूत, चलिए सभी सभी मित्रों का स्वागत है सेशन में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर ये लीजिए 43 नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जैसे कि आप देख पा रहे हो 43 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, वन वेरी स्पेशल फीचर इन द
अर्थबॉम, फेरेचमा, इस तरह निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुत ही स्पेसिफिक फीचर है और वो फेरेचमा का आपने कैरेक्टर है कौन सा, उसमें आप देखेंगे द टिफ्लोसोल आपने का ग्रेटली इंक्रीज द इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन एरिया द डाइजेस्टेड फूड इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जब डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उससे टिफ्लोसोल क्या हो जाता है, इंक्रीज कर देता है आपका क्षेत्र। दूसरा, एसेप्ट सिटी एम्बेडेड इन द इंट्यूगमेंट आर द डिफेंसिव आपने का बीपन्स यूज्ड अगेंस्ट द एनिमीज। जो इसमें एसेप्ट सिटी एम्बेडेड होती है वो आपने का डिफेंसिव नेचर की पाई जाती है फेरेचमा में। इट हैज ए लॉन्ग डार्सल ट्यूबुलर हार्ट, इसमें एक लॉन्ग ट्यूबुलर डार्सल हार्ट पाया जाता है। उसके पश्चात देखेंगे फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अकर्स, थोड़ा सा पेज ऊपर बढ़ाना पड़ेगा आपने, हाँ ठीक है देख पा रहे हो, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स अकर्स, आपने एग का फर्टिलाइजेशन इन साइड द बॉडी होता है। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन द क्वेश्चन आपने का, देखो सभी तो सही है लेकिन कह रहा है वन वेरी स्पेशल फीचर इन अर्थबॉम एंड फेरेचमा इज दैट, इनमें से सबसे ज्यादा स्पेशल फीचर कौन सा है वो आप फटाफट सभी के सभी सही आंसर करके मुझे बताओगे। सबसे पहले देखो टिफ्लोसेल ग्रेटली आपने का ये एब्जॉर्प्टिव एरिया को इंक्रीज करता है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इसके बताएंगे आंसर क्या करोगे। तो टिफ्लोसोल आपने का ये एब्जॉर्प्शन एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बात सही है। एसेप्ट सिटी एम्बेडेड इन द इंटीग्रमेंट ऑफ डिफेंसिव बीपन्स दैट अगेंस्ट ऑफ एनिमीज, एनिमीज के लिए अगेंस्ट में बीपन्स का काम करती है। इट हैज लॉन्ग डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट, आपने इसमें लॉन्ग डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट, हाँ जी। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अकर्स द इनसाइड ऑफ द बॉडी, हाँ जी। तो यहां पर अगर करेक्ट आंसर के लिए बात करा जाएगा, करेक्ट में भी वेरी वन स्पेशल फीचर, तो वेरी वन स्पेशल फीचर होगा द टिफ्लोसोल इज ग्रेटली इंक्रीजेस द इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन एरिया आर डाइजेस्टेड फूड इन इंटेस्टाइन, ए इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। दूसरी चीज हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो अर्थबॉम होता है ना फेरेचमा, इसमें बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, तो मुझे बस आप कमेंट सेशन में जाकर इतना बता दोगे कि टिफ्लोसोल रीजन अर्थबॉम में किस सेगमेंट से लेकर किस सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होता है। आपको क्या बताना है कि टिफ्लोसोल किस सेगमेंट से लेकर किस सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होता है, वो फटाफट एक बार चैट सेक्शन में जाके मुझे बताइए। बहुत सारे हैं ये, मैं देख पा रहा हूँ कुछ मुख्य सेविकाएं भी आ गई हैं। सर आज मुख्य सेविका का क्लास नहीं था, सुगंधा नहीं था बेटा, दोपहर में तबीयत सही नहीं थी इसलिए मुख्य सेविका का क्लास नहीं था। मुख्य सेविका का क्लास कल लूँगा, परेशान ना हो, है ना। आज कोई हम एप्लीकेशन पर भी क्लास नहीं थी, ये तो केवल एक शाम 7 बजे, 8 बजे वाली भी क्लास नहीं है, इसके बाद सारी क्लासेस सस्पेंडेड है। शाम 7 बजे हम थोड़ा सा लाइव आ गए हैं कुछ प्रश्नों को लेकर, जिससे मैंने कहा बच्चों से जब दर्शन कर लूँगा ना आप लोगों के, जब साथ में आ जाता हूँ तो एक अलग से एनर्जी मिल जाती है और उसके बाद हमारा सारा स्वास्थ्य, सारी चीजें एकदम परफेक्ट हो जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हम आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 44 लेकर आ रहे हैं और आप सभी लोग 44 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे और करेंगे आंसर। देखो 44, इफ अ लाइव अर्थवॉर्म इज प्रिकल्ड विद ए नीडल ऑन इट्स आउटर सर्फेस, आपने को विदाउट डैमेजिंग इट्स अ गट द फ्लूड दैट कम्स आउट इट। अब कह रहा है कि अगर कोई अर्थ बॉम है उसमें हम एक छोटी सी निडल को चुभोते हैं, आपने का ए लिप्ड अर्थ बॉम प्रिकल्ड विद निडल ऑन द आउटर सरफेस, उसके आउटर सरफेस से सुई से चुभोते हैं, विदाउट डैमेजिंग इट्स गट, उसके गट को डैमेज नहीं होने देते हैं, द फ्लूड दैट कम्स आउट इज, जो फ्लूड बाहर निकलता है उसे कहते हैं एक्सक्रीटरी फ्लूड, सीलोमिक फ्लूड, या आपने का हीमोलिम, या आपने का स्लाइमी म्यूकस। तो ध्यान रखिएगा इसमें से जो बाहर फ्लूड निकलता है इसकी एक्चुअल में, इसको जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देता है, इसमें जो हाइड्रोस्केलेटन पाया जाता है वो किसके कारण होता है, सीलोमिक फ्लूड के कारण होता है। तो सीलोमिक फ्लूड ही इसके, जो अगर बात करेंगे तो इसको
इंडोस्केलेटन देता है। जैसे अगर पूछा जाए कि अर्थवॉर्म जब जमीन में बरो बनाता है, छिद्र बनाता है, जब जमीन में धंसता है, तो ये हाइड्रोस्टेटिक फोर्स के द्वारा ही, जो सीलोमिक फ्लूइड के द्वारा लगता है, उसी के द्वारा ये बरो बनाने में अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रांग और स्ट्रेट कर लेता है। तो ये सीलोमिक फ्लूइड इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पर है और आप सभी लोग इस सवाल को पढ़ेंगे और करेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करैक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनिलिडा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइलम एनिलिडा के लिए सही आंसर नहीं है? हाय राम, क्या हुआ सर, आपको मेरी आंखों से आंसू टपकने लगा। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं था आज पूरे दिन, इसीलिए क्लास लेने का मन नहीं था, बस बाकी आंसू आंसू ना टपकाइए, है ना। चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है, हम बात करते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा होगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बात किसकी कर रहा है, एनिलिड्स की। देखो फाइलम एनिलिडा में वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करैक्टरिस्टिक, एनिलिडा में कंडीशन है अगर हिरुडिनेरिया होगी जोंक तो उसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, अगर अर्थवॉर्म होगा तो क्लोज्ड टाइप होगा। तो बेसिकली आपने कहा इज नॉट करैक्टरिस्टिक फाइलम, तो ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम तो आपने कहा क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है। बताओ सेगमेंटेशन की बात करते हैं, इसके बॉडी खंड होते हैं, हाँ जी पाए जाते हैं। स्यूडोसीलोम इसमें नहीं पाई जाती है, स्यूडोसीलोम एस्केरिस में पाई जाती है, जबकि वेंट्रल नर्व कार्ड ये प्रेजेंट होता है। तो नॉट करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनिलिडा, तो इसका क्या होगा, स्यूडोसीलोमेट आपने का करैक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, सी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 ऑन योर स्क्रीन, 46 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। फाइलम एनिलिडा के हम सारे क्वेश्चंस, सॉरी अगर बात करते हैं हम किंगडम एनिमिलिया के सारे क्वेश्चंस आपको हम करवा दे रहे हैं एनिमल किंगडम के। अर्थवॉर्म हैव नो स्केलेटन बट ड्यूरिंग बरोइंग द एंटीरियर एंड बिकम टर्जिड एंड एक्ट एज अ हाइड्रोलिक स्केलेटन, इट इज ड्यू टू सीलोमिक फ्लूड, ब्लड, गट पेरिस्टाल्सिस, सीटी। बताइए भाई, केचुआ का कोई अंतः कंकाल नहीं होता है, लेकिन बिल खोदने के दौरान अगला सिर गदला हो जाता है और हाइड्रोलिक कंकाल के रूप में कार्य करता है, यह होने का कारण क्या है? फटाफट करेंगे इसका करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन, ए सीलोमिक फ्लूड। बहुत अच्छा है, एच एल, अमृता, रुचि, रिग्या, प्रियंका और आपने का सैम, उज्ज्वला, डीएस, जानकी, है ना। चलो भाई, तो आप करेक्ट आंसर क्या करोगे, सीलोमिक फ्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अभी मैंने बताया था, अगला क्वेश्चन नंबर 47, 47वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। देखो 47वां नंबर क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग पेयर ऑफ द बॉडी फीचर ऑफ द एनिमल पॉजिंग इट, जो एनिमल प्रेजेंट है इनमें कौन सा इनका करैक्टरिस्टिक फीचर है और कौन सा नहीं है। फटाफट करिए भाई आंसर इस सवाल का, जितने भी मित्र जितने भी साथी सेशन से हैं वे सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। पोस्ट एनल टेल ऑक्टोपस में पाई जाती है, वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है लीच में, क्या फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है, आपने कहा चैम्बलेन में एब्सेंट होती है इन एम्ब्रियो, वेंट्रल हार्ट स्कॉर्पियन में प्रेजेंट होता है। तो कह रहा है विच वन इज फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग पेयर ऑफ बॉडी फीचर द एनिमल पॉजिंग इट, कौन सा सही मैचिंग है वो आपको बताना है इसका करैक्टरिस्टिक फीचर। तो बड़ा ध्यान से समझना, पोस्ट एनल टेल क्या ऑक्टोपस में पाई जाती है? अरे भाई ऑक्टोपस में पोस्ट एनल क्रैब आपने का टेल नहीं पाई जाती है,
ये तो इनकरेक्ट हो गया. वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट इन लीच, बिल्कुल जी हाँ, लीच में आपने का वेंट्रल साइड पर सीएनएस प्रेजेंट होता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे, बी. अगर फेरेंजियल ग्लिस्ट्रिड से एम्ब्रियो स्टेज में होती है, नहीं, एडल्ट्स में होती है. वेंट्रल हार्ट, आपने कहा वेंट्रल हार्ट स्कॉर्पियन में, स्कॉर्पियन क्या है ध्यान रखना, स्कॉर्पियन की बात करते हैं तो मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा में, और ये किसका है, एरकिनिड्स का, स्कॉर्पियन और स्पाइडर, तो इनमें वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, डॉर्सल ट्यूबुलर लैडर लाइक. तो ये कंडीशन इसकी होगी, आपने कहा बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़िए आंसर करिए. इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरो, देख पा रहे हो, क्लोरो क्लोरिन पिगमेंट इज फाउंड इन. अब यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें क्लोरो क्रूनिन वर्डक पाया जाता है. सभी को पता है कि इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, किसमें, एनिलिड्स में, एकाइनोडर्म्स में, इंसेक्टा में, या लोअर कार्डेट्स में. जब क्लोरोक्रोरिन पिगमेंट्स की बात करेगा, ये पिगमेंट एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और इसी रेस्पिरेटरी पिगमेंट के द्वारा करता क्या है, बेसिकली ये रेस्पिरेशन में डायरेक्ट, क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन होती है ना, वो डायरेक्ट डिजॉल्व होती है किसमें, प्लाज्मा में, ब्लड कार्पसल्स एब्सेंट होती है, और ये इसमें छोटे 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 फोटो रिसेप्टर पोर होते हैं. एक्चुअल में इसमें ट्रू आई नहीं होती है, अगर ऑप्शन में आई होगा तो आई एब्सेंट होती है, अगर मैनी आईज दिया रहेगा तो हम करेक्ट आंसर कर देंगे, मैनी आईज प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म. तो इसका फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैनी. तो ये एनी लेडा का ही करेक्टरिस्टिक फीचर है, आपने कहा पिगमेंट इज फाउंड इन एनी लेडा, आप लोगों ने इसका आंसर क्या किया, ए, एनी लेडा इज द राइट आंसर. अर्थवॉर्म में आपने कहा क्लोरो क्रोनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है. बेहतरीन, सभी लोग आंसर कर रहे हैं इस सवाल का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 ऑन योर स्क्रीन, 49 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और करेंगे आंसर. देखो 49 में कह रहा है, आपने कहा फंक्शन वाइज जस्ट एज देयर आर नेफ्रिडिया इन एन अर्थवॉर्म सो आर. अब फंक्शन वाइज जस्ट एज देयर आर नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया अर्थवॉर्म में एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, सभी को पता है नेफ्रिडिया अर्थवॉर्म में कैसा ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. अगर नेफ्रिडिया एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो उस कंडीशन पर क्या होगा बताइए. प्रो आपने क्या पैरोटिड ग्लैंड इन टोड, टोड में पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड होती है, क्या वो है, नहीं जी. स्टैटोक इन प्रैन, स्टैटोसिस्ट की बात करेंगे, बैलेंसिंग ऑर्गन है, ये भी नहीं होगा. फ्लेम सेल्स इन लीवर फ्लूक, हाँ जी, लीवर फ्लूक जो फ्लेम सेल्स पाई जाती है, बेसिकली ये करती क्या है, आपने कहा ज्वाला कोशिकाएं एक्सक्रीटरी सेल्स है प्लेटी हेलमेंथीस में, तो जो फंक्शन फ्लेम सेल्स ऑफ लीवर फ्लू के, वही फंक्शन नेफ्रिडिया करती है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या करोगे, मायोटॉम्स इन फिश, आपने कहा ये तो इंडोस्केलेटन देती है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए भाई, क्या करे हो, जितने भी साथी सेशन से जुड़े, करेक्ट आंसर इसका आप लोगों ने क्या किया. वेरी गुड इवनिंग बहुत सारे, नहीं 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 अमृता ध्यान दो, सेम फंक्शन पूछ रहा है, फंक्शन वाइज जस्ट देयर आर नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया की तरह फंक्शन कौन करता है, तो इस पर क्या करोगे बेटा, आपने फ्लेम सेल्स इन लीवर फ्लूक, जो लीवर फ्लूक होती है उनके फ्लेम सेल्स के अकॉर्डिंग इसका होगा राइट आंसर, और करेक्ट आंसर इज गोज टू दैट क्वेश्चन. ये चलिए भाई बहुत सारे साथी है, हाँ अभी तुम कमेंट करके पूछ रही हो सर आज ऐप पर क्लास नहीं चली थी श्वेता मौर्य, हाँ नहीं चली थी, मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया भी है कि एप्लीकेशन पर क्लास आज ना चली है और अभी ना ही कोई क्लास चलेगी, उसका कारण भी मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि क्योंकि बताइए ऐसा क्यों होगा बेटा, क्योंकि मैंने कहा आज थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं था, कुछ लाइटिंग कम लग रही है हमारे रूम में आज, पता नहीं क्यों, या तो हम ही को ऐसा कम कम दिखाई दे रहा होगा, इतनी सारी लाइट होने के बावजूद अगर मुझे लाइटिंग कम दिख रही है तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो कारण है ना, स्वास्थ्य पर, मस्तिष्क पर किसी का प्रभाव पड़ा है, कोई भूत चुड़ैल हमारे ऊपर सवार हो गई है. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50,
फ्यू सिलोम इज द स्पेस लाइंग बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल इनक्लोज्ड बाय द लेयर्स ऑफ। अब ट्रूसिलोम इज द स्पेस, आपने कहा ट्रूसिलोम एक स्पेस है किसकी, लाइंग बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में एक स्पेस पाई जाती है जिसको ट्रूसिलोम कहते हैं। इसीलिए तो इसकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। एनेलिडा की बॉडी कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्यूब विद इन ट्यूब। तो इनक्लोज्ड बाय द लेयर, वो किसके द्वारा इनक्लोज्ड होती है, एक्टोडर्म बोथ साइड, दोनों साइड एक्टोडर्म होगी नहीं, एक्टोडर्म तो बॉडी वॉल में होगी ये तो नहीं होगा, इंडोडर्म ऑन वन साइड एंड एक्टोडर्म ऑन आउटर साइड नहीं। अगर बॉडी कैविटी की बात कर रहे हैं, सीलोम इज द स्पेस लाइंग बिटवीन, अरे भाई सीलोम को कवर कौन करेगा, मीजोडर्म ही करेगी दोनों साइड से, तो इसका आंसर क्या बोलोगे, मीजोडर्म ऑन वन साइड नहीं, आपने कहा मीजोडर्म ऑन बोथ साइड, हाँ जी आपने कहा मीजोडर्म ऑन बोथ साइड, बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ से मीजोडर्म ही लेयर सीलोम को क्या करेगी, कवर करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का प्रश्न संख्या क्या करोगे, डी। मैं जानना चाहूंगा आप लोगों ने सवाल का आंसर क्या दिया था 50 का। बहुत सारे लोग सर अर्चना आर्या क्या पूछ रहे हो, अर्चना सर प्लीज बता दीजिए, सर प्लीज बता दीजिए कितने बजे से क्लास चलती है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर बेटा केवल प्रैक्टिस होती है 7:30 बजे, यूट्यूब पर क्लास नहीं चलती है, क्लास राजीव अकेडमी के एप्लीकेशन पर चलती है। तो एप्लीकेशन पर क्लास चलती है कितने बजे से, दोपहर में चलना शुरू हो जाती है सारी क्लासेस। हाँ जी ये क्लास यूट्यूब पर 7:30 बजे चलती है, ठीक है अर्चना आर्या बताया। मैंने कहा ये क्लास एप्लीकेशन पर नहीं, क्लास कहाँ चलती है, राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर प्रैक्टिस होती है केवल 7:30 बजे। चलो हम कुछ और एक दो सवाल करवा लेते हैं, कम से कम एनेलिडा के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा लेते हैं, है ना, फिर उसके कल करा देंगे। चलो इसीलिए मैं कुछ आज स्लो करा रहा हूँ। सीलोम ड्राइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील इज नॉन एज, अगर सीलोम ब्लास्टोसील से ड्राइव्ड होता है तो उसे क्या कहते हैं, बताओ इंटरोसीलोम, साइजोसीलोम, सीडोसीलोम या हीमोसीलोम। आपने कहा सीलोम इज ड्राइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील कैविटी से अगर सीलोम डेवलप होता है तो उस सीलोम को क्या कहते हैं। भाई जितने लोग सेशन से जुड़े हुए हैं, बहुत कम लोगों ने सेशन को लाइक किया है, तो प्लीज पुट लाइक बटन फर्स्ट, सर आप जल्दी ठीक हो जाओगे। अरे इतना ज्यादा बीमार नहीं हुआ हूँ बबीता, बस थोड़ा सा। अमृता कह रहे हैं सीडोसीलोम, सर रेस्ट कर लीजिए दिव्यांशी, हाँ कर लूँगा, कल क्लास 100% पढ़ाऊँगा ये समझ लो, कल को पूरी कोशिश होगी, क्लास चलेगी आपकी। सीलोम ड्राइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील इज नॉन एज, ब्लास्टोसील से डेवलप होने वाले सीलोम को क्या कहते हो, तो ध्यान रखना इट इज नॉन एज सीडोसीलोम। हाँ जी अब की बार बहुत सारे लोगों ने आंसर सही किया है, सीलोम ड्राइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील इज साइजोसीलोमेट, हाँ जी उसे हम क्या कहते हैं सीडोसीलोमेट, साइजो नहीं सीडोसीलोम कहते हैं, ध्यान रखना। निकिता कहाँ से साइजो तुम ले आई हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 52 ऑन योर स्क्रीन, विच वन इज असिस्ट इन लोकोमोशन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकोमोशन कराता है, लोकोमोशन में सहायक होता है। ऑप्शन है ट्राइकोसिस्ट इन, आपने का पैरामीशियम, पैरामीशियम के ट्राइकोसिस्ट लोकोमोशन कराते हैं, सीलिया कराता है, कौन कराता है सीलिया। पेडिसिलरीज ऑफ स्टारफिश, स्टारफिश में पेडिसिलरीज तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम मेंटेन करते हैं। क्लाइटेलम इन फेरेटिमा, आपने का फेरेटिमा में क्लाइटेलम क्या लोकोमोशन कराता है, बिल्कुल नहीं कराता है। आपने का फिर पोस्टीरियर सकर इन हिरुडनेरिया, बिल्कुल हाँ हिरुडनेरिया का जो पोस्टीरियर सकर होता है विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, तो ध्यान रखना पोस्टीरियर सकर जो होता है हिरुडनेरिया में वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है, इसको चलने में मदद करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका आंसर डी दिया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर 53 क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए और आंसर करिए। हाँ जी डी था आशीष कुमार गुप्ता, प्रतिभा और अंकिता भटनागर, सीमा प्रियंका सुषमा समल कुमार और जानकी डीएस, निकिता गौरव, संगीता सुधीर रश्मि
प्रियंका सिंह, जानकी राजपूत, चलो भाई सभी लोग कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर है प्रश्न। नेक्स्ट, ब्लड इज फेरेटिमा इज, फेरेटिमा का ब्लड कैसा होता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंस और बहुत आसान सवाल है, आपको बता दूं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन। ब्लू 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 है तो हटा ही दो। रेड विद हीमोग्लोबिन इन कार्पसल्स, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कि अर्थवॉर्म में हीमोग्लोबिन तो प्रेजेंट होता है बट आरबीसी एब्सेंट होती है। हीमोग्लोबिन डायरेक्ट डिजॉल्व इन प्लाज्मा, तो आप क्या करोगे? रेड विद हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा, आपने कहा हीमोग्लोबिन डायरेक्ट डिजॉल्व किस में होता है? प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। देन आंसर इज गोज टू दैट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? 53 का डी, इसका भी आंसर डी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा बड़ा है तो मैं प्रॉपर आपको दिखा दे रहा हूँ। चलो, लिखा गया फेरेटिमा पोस्टुमा इज हाईली यूजफुल, बताइए दियर बरोइंग मेक फॉर सॉइल लूज, आपने कहा इनके जो डिगिंग होती है वो सॉइल को लूज बनाते हैं। दे मेक द सॉइल पोरस, लीव्स दियर कैस्टिंग एंड टेक्स ऑर्गेनिक डिब्रीज इन सॉइल, बात तो बिल्कुल सही है। दे आर यूज इन फिश मील, आपने कि इनको भोजन के रूप में यूज करते हैं मछली के। दे किल द बर्ड्स ड्यू टू बायो मैग्निफिकेशन ऑफ, आपने का क्लोरोनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्लोरोनेटेड हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा ये पक्षियों को मार देते हैं। तो प्रीति चौधरी डी कर रहे हो, अर्चना आर्या टी, मेहर ज्योति, स्वाति शुक्ला, रुचि अमृता, हाँ बिल्कुल प्रीति वर्मा। चलो इस सवाल के आंसर दो जरा। क्वेश्चन नंबर 54 ऑन योर स्क्रीन, 54 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप सभी लोग इस सवाल को पढ़ेंगे और करेंगे राइट आंसर। तो जरा मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों ने इस सवाल का आंसर किया। समल कुमार भी, रुचि भी, सुधीर रश्मि भी, राजपाल भी, जानकी एचल भी, गौरव संगीता भी, अर्चना आर्या भी, क्या बात है क्या बात है, सारे लोग बी भी दे रहे हो, इसका कुछ तो बात है। प्रीति चौधरी भी, क्या हाल है प्रीति तुम्हारा, पढ़ाई लिखाई कर रही हो, पढ़ती लिखती रहना भाई। अंकिता यादव, रूपाली विश्वकर्मा, अमृता, चलो भाई सभी लोग सभी लोग, हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ रूपाली, तुम कैसी हो? मेहर, समल, कोमल, हाँ चलो भाई सभी के सभी साथी। देखो यहाँ पर पेरेटिमा पोस्टमा इज हाईली यूजफुल, तो मेनली क्या करोगे? दे मेक द सॉइल पोरस, बिल्कुल सही है। लीव्स दियर कैस्टिंग एंड टेक ऑर्गेनिक डिब्रीज ऑफ सॉइल, बी को हम ज्यादा प्राथमिकता देंगे, बाकी सभी तो सही है। ऑल आर करेक्ट बट हाईली यूजफुल कौन सा होगा? तो हाईली यूजफुल इज अ बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी फेरेटिमा के होंगे वे सारे क्वेश्चन आज करा दे रहा हूं। चलो भाई, अर्थवॉर्म आर यूजफुल, हार्मफुल, मोर यूजफुल देन हार्मफुल, मोर हार्मफुल, किसान का मित्र होता है, क्या होता है भाई? किसान का मित्र, केचुआ किसान का मित्र है, किसान का दुश्मन कभी नहीं कहा गया। मित्र होगा तो यूजफुल होगा, अगर मित्र होगा तो यूजफुल होगा। एचएल कुछ कह रहे हैं, फार्मर्स फ्रेंड ऑफ अर्थवॉर्म, हाँ जी मेरे हाल पूछ रहे हैं सर, हाँ प्रीति चौधरी तुम्हारे ही हाल पूछ रहा हूँ, क्या हाल है बताओ भाई। सर मैं तो अच्छी हूँ, आपको गणेश चतुर्दशी विश किया था मैंने, आपने देखा ही नहीं था, हो सकता है क्योंकि आज केवल लेटा हूँ, सुबह ऑफलाइन क्लास पढ़ा के आया हूँ, जब से केवल लेटा हुआ हूँ मोबाइल दूर रख के, हो सकता है। हाँ चलो भाई, सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये भी फेरेटिमा का ही है, देख पा रहे हो फेरेटिमा का, आपने कहा फोटो रिसेप्टर्स ऑफ अर्थवॉर्म अकर्स, अर्थवॉर्म में जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं इनको हम बेसिकली
आई ऑफ अर्थ वर्म कहते हैं, और ये मैनी होती हैं बॉडी सरफेस पर पाई जाती है। देखो क्लाइटेलम में मैनी आईज, डार्सल सरफेस, लैटरल साइड। बताइए भाई इसका सही आंसर क्या होगा, बेहतरीन सवाल है। प्रियंका सिंह 55 का ही, हाँ जी, और बाकी लोग करो जरा 56 का बताओ। निकिता बी बता रही है मैनी आईज, बाकी लोग भी बताइए जरा कितने इसका होगा करेक्ट आंसर। मैनी आईज, मैनी आईज, मैनी आईज, चलो भाई बताओ फटाफट जितने भी बच्चे हैं। 56 का बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर आप लोगों ने क्या बताया, फोटो रिसेप्टर्स ऑफ अर्थ वर्म आकर्षण। देखो इसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर विवाद रहता है, मैं थोड़ा सा कंफर्म कर दूँ। हाँ मैनी आईज, अगर सवाल ये पूछा जाता है कि अर्थ वर्म में आई प्रेजेंट होती है एबसेंट, तो फिर बोल दोगे नो आई। अगर सवाल पूछा जाए कि अर्थ वर्म में आई प्रेजेंट होती है एब्सेंट, तो क्या बोल दोगे, एब्सेंट, नो आई। लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाता है कि अर्थ वर्म में आई प्रेजेंट होती है 1, 2, 3 मैनी, तब ऑप्शन में बता दोगे मैनी आईज। इसका मतलब इसमें ट्रू आई तो नहीं होती है, जो छोटे छोटे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हीं को हम मैनी आईज कह देते हैं। तो आप बताओगे फोटो रिसेप्टर्स ऑफ अर्थ वर्म अकर्स ऑन द मैनी आईज की तरह कार्य करते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में नो आई है तो फिर सही उत्तर क्या करोगे, नो आई, यानी आई इसमें एबसेंट, जो कंपाउंड आई होता है ना उस टाइप की आई इसमें एबसेंट होती है। तो हम एक सेकेंड के अंतर्गत आप लोगों के कमेंट्स देख लेते हैं। हाँ आई एब्सेंट, नो आई इन अर्थ वर्म, बिल्कुल। मैंने फिर से कहा अगर ऑप्शन में होगा कि आई प्रेजेंट की एब्सेंट तो बोलोगे एब्सेंट, लेकिन अगर ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 मैनी दिया गया तब क्या कर दोगे, मैनी आईज प्रेजेंट इन अर्थ वर्म, तब आप मैनी आईज कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पर है, और देखो पढ़ो आंसर करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली आपने का म्यूसीडी, निम्नलिखित में से कौन सा एक मस्किडी परिवार से बिलोंग करता है, उसके आंसर्स दिए गए हैं। फटाफट देखो आपने का फायरफ्लाई या ग्रास ओपर, कॉकरोच या हाउस फ्लाई। अब हम लोग वैसे फेरेतिमा के क्वेश्चंस कर चुके हैं, हम क्वेश्चंस पहुंचा दिए हैं 57, तो हम 60 क्वेश्चन तक करवा देते हैं, है ना, 2-3 सवाल और करवा देते हैं आर्थ्रोपोडा के। तो आप लोग इसके बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। निकिता क्या लिख रही हो तुम, अर्थ वर्म हैव नो आई बट फोटो रिसेप्टर्स तो मैनी, बेहतरीन। कोमल, प्रतिभा, मेहर, समल, सुषमा, चलिए संता नंबर सवाल का करेक्ट आंसर बताओगे। देखो यहाँ पर ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली, अब फैमिली कह रहा है, यहाँ पर ध्यान रखना फैमिली से सवाल पूछा गया। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा, क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का, क्लासिफिकेशन ऑफ इकानोडर्मेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। क्लासिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंस है, जितने चैप्टर मैंने बताए, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण, उसके साथ साथ पोरीफेरेंस का वर्गीकरण, उसके साथ साथ देखो मेन जो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, कॉर्डेटा और प्रोटोजोआ, मतलब इनसे तो सवाल आना ही आना है हर बार। कभी फैमिली पूछ लेगा, कभी ऑर्डर पूछ लेगा, कभी मेंबर रख के उनका पूछ लेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। बड़े डिटेल से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो यहाँ फैमिली पूछ रहा है, और कौन सी फैमिली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आपने का बिलोंग टू द फैमिली। जब म्यूसिडी की बात करेगा तो आपको सभी को पता है हाउस फ्लाई, और हाउस फ्लाई को हम क्या कहते हैं, मस्का डोमेस्टिका कह देते हैं। क्या कहते हो, मस्का डोमेस्टिका, तो ध्यान रखिएगा ये मस्का डोमेस्टिका डी, और आप लोगों ने उम्मीद करता हूं इसको हाउस फ्लाई से ही सही दिया होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन है, थोड़ा सा लेंदी है और आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 बड़ा अच्छा सवाल है,
देखो इसी टाइप के सवाल आजकल परीक्षाओं में के पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। आपको ये बताना चाहूंगा इस समय जो परीक्षाओं का पैटर्न है वो क्वेश्चंस कुछ इसी पैटर्न में बनते हैं, यानी एक सवाल के अंदर मैनी सवाल्स पूछ लेंगे। जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, जब तक आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तब तक इन सवालों को आप नहीं तोड़ पाओगे। अगर आप भी TGT PGT बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हो तो राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन डाउनलोड करके 2999 रुपये का फीस पे करके अपना कोर्स पढ़ना शुरू कर दो। धुआंधार तरीके से क्लासेस चल रही हैं। उसके लिए देखो यहाँ पर एक कॉलम दिया गया, आपने कहा मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द दियर रिस्पेक्टिव करेक्टरिस्टिक वाई, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड। अब पाइला दिया गया, पाइला में देखो सेल्स पाई जाती है, कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती है, रेडुला पाया जाता है, मेलपिगी ट्यूबुल्स पाई जाती है, देखो बॉम्बेक्स मोरी है, आपने का प्लूरोब्रैंकिया है और टीनिया है। सबसे पहले अगर हम इधर साइड से मैच कर लो या इधर साइड से मैच कर लो, अब देखोगे यहाँ पर आपको सबसे पहले जो टीनिया है, इस टीनिया में क्या पाई जाती है, फ्लैम सेल्स पाई जाती है। अगर पाइला की बात करेंगे तो इसमें क्या पाया जाता है, रेडुला पाया जाता है। तो दो आंसर पकड़ लो, सबसे पहले टीनिया का मतलब फ्लेम सेल्स, इसका मतलब डी में फर्स्ट आंसर होना चाहिए। अब आपने देखा डी में फर्स्ट 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 एक ही ऐसा आंसर था जो कट गया, बाकी तीन ऐसे हैं जो डी में फर्स्ट है। फिर आपने कहा पहला में देखो जरा, पहला का रेडुला यानी एक का तीन, तो एक का यानी ए में तीन, तो एक आंसर ये कट गया। अब बचा दो, ए यानी एक बचा ए और एक बचा सी, ऐसे मैच कर सकते हो ना, बताओ फटाफट। बॉम्बेक्स मोरी, बॉम्बेक्स आपके जो सॉरी बॉम्बिक्स है, बॉम्बिक्स मोरी आपने का मोरस अल्वा, ये तैतूत के वृक्ष पर रेशम का उत्पादन करने वाला एक कीट है, और दूसरा आपने देखा प्लूरोब्रैंकिया। अब दो चीजें देखिए, सबसे पहले बॉम्बेक्स मोरी एक कीट है और कीट में मेलपिगिन ट्यूबल्स के द्वारा एक्सक्रीशन होता है, तो आपने बॉम्बिक्स देखा और बी का आपने कर दिया चार। तो आपको कोई ऑप्शन देखा जो बी में चार है, तो फटाफट आपने कर दिया ए इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। अगर आपके बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप इन सवाल को तोड़ पाओगे, अदरवाइज तोड़ नहीं पाओगे। और देखना चाहूंगा कितने लोगों ने किया है इसका करेक्ट आंसर, हाँ 58 का ए इज द राइट आंसर, वेल डन, आप सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर किया 58 का ए। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया, बेहतरीन 58 का ए। मैंने कहा ना जब आप तोड़ पाओगे, बेहतरीन अमृता, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत अच्छा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 59 आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़ेंगे और करेंगे फटाफट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता फाइलम आर्थ्रोपोडा में नहीं मौजूद है, नहीं पाई जाती है, वो है सबसे पहले मेटामेरिक सेगमेंटेशन, फिर देखो पैरापोडिया, जॉइंटेड अपेंडिस, ये तो इसका मेन करेक्टरिस्टिक फीचर है, काइटनस एक्सोस्केलेटन, ये भी मेन करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो फिर बताओ कौन सा एक ऐसा करेक्टरिस्टिक फीचर है फेरेटिमा में जो सॉरी इसमें आर्थ्रोपोडा में, फेरेटिमा नहीं आर्थ्रोपोडा में जो नहीं है, नॉट प्रेजेंट। मेटामेरिक सेगमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब इनकी बॉडी जो होती है डिविजिबल होती है, हेड में, नेक में, एब्डोमेन में, आपने का थॉरेक्स में और एब्डोमेन में, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, जॉइंटेड अपेंडिस पाए जाते हैं, काइटनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, क्या पैरापोडिया पाया जाता है, नहीं। तो ध्यान रखना आर्थ्रोपोडा का इट इज नॉट करेक्ट फीचर ऑफ, अगर पूछा जाता है कि आर्थ्रोपोडा में एक करैक्टरिस्टिक फीचर कौन सा नहीं है, तो बेटा इसमें पैरापोडिया नहीं पाए जाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। सुरभि और सैमुज्जला, प्रीति, स्वाति शुक्ला, जानकी राजपूत, राधा वर्मा, अंकिता भटनागर, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। तो चलिए हम सेशन का अंतिम सवाल आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं, और हम आए थे सच बताऊं 10 सवाल कराने के लिए। जब मैं लाइव आया था तो मैं केवल ये मूड बनाकर आया था कि आज केवल 10 सवाल सॉल्व कराएंगे और बच्चों से केवल मुलाकात करके हालचाल
ऐसे वापस लौट आऊंगा। तो लेकिन जो आप लोगों के कमेंट सेक्शन मैंने देखे, आप लोगों की जो एक पोटेंशियल देखी, आप लोगों की जो डेडिकेशन है, उसको देखते हुए हम देखो धीरे 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 पूरा सेशन 1 घंटे का कर दिए, देख रहे हो ना आप। तो ये होता है कि हमारे बच्चे ही हमको एक पावर दे देते हैं, उसी पावर के साथ हम लगातार चलते रहते हैं। तो चलो अगला सवाल हम आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 68 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, आज के सेशन का अंतिम सवाल और बेहतरीन है। इसमें देखो आप मिस करने वाला, ये भी मैच करने वाला है। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपने कहा देखो पूरा मस्का डोमेस्टिका का पूरा एक क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक पोजीशन पूछ लिया। अब आपको इसके ऑर्डर पता हो, आपको इसका फेम, मैंने कहा ना था हमेशा आर्थ्रोपोडा का, मोलस्का का, इकाइनोडर्मेटा का, कॉर्डेटा का और प्रोटोजोआ का, इन सभी के क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन से बहुत पूछे जाते हैं। इसलिए आपको आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा के साथ साथ ये सब एकदम से रट के रखना है प्रोटोजोआ सहित। तो यहाँ से सवाल आएगा, आप फैमिली बताओ। सबसे पहले तो बताएंगे फाइलम, सबसे पहले डी, अगर हम ऑर्डर वाइज मतलब क्रम से बताएं, अगर एक मतलब जो ऑर्डर होता है, फाइलम सभी को पता है डी का, आप गए कहां पर, आर्थ्रोपोडा। तो आप सबसे पहले यहां से शुरू कर दो, डी में दो, देखो सारे आंसर कट गए, सारे आंसर कट गए, केवल एक ही बचा। तो ये पहले तो टाइम बचाना सीखो कि हम सवाल को कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले टाइम बचाना सीखो। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आते तो टाइम बचाना सीखो। परीक्षा हाल में बैठकर आपको सब मिलाना नहीं है, आपको वहां पर कम समय में सही उत्तर करके आगे बढ़ जाना है। तो सबसे पहले आपने देखा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में केवल एक ही था जिसका डी का दो आंसर था। फिर आपने देखा इसका जब क्लास देखोगे तो क्या होगा बेटा, इंसेक्टा। फिर सी में देखा आपने क्लास इंसेक्टा। फिर आपने इसकी फैमिली देखी और फैमिली आपने तुरंत बताई कौन सी, म्यूसी डी, और आपने ऑर्डर बताया इसका डिप्टेरा। तो ये पूरा का पूरा आंसर आपका सही हो जाता है ए, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 और 60वें नंबर सवाल का सही उत्तर आप लोगों ने क्या दिया है, ए। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या बात है राधा, अंकिता, प्रियंका, दिव्यांशी, सर सिर्फ बायोलॉजी का क्लास करना है। समल कुमार, आप राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन डाउनलोड करो, यहाँ सिर्फ बायोलॉजी की ही क्लास चलती है, जूलॉजी और बॉटनी सिर्फ बायोलॉजी की ही क्लास चलती है। तो उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए, क्लास को लेने के लिए आपको राजीव सर दवा ले लो और अपना ख्याल रखना। हाँ प्रियंका, चलो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर, इतना ख्याल रखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ना। और हमारे रूम में आज पता नहीं क्यों मुझे लाइटिंग बहुत कम लग रही है, तो ठीक है, हेयर इज नो इशू। तो जितने भी मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़े, मैं सभी लोगों को एक बार बताना चाहूँगा कि सभी लोगों को एक बार बताना चाहूँगा कि राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर शिखर टेस्ट सीरीज धुआंधार चल रही है। जो बच्चे टेस्ट पेपर देना चाहते हैं, पेपर 1, 2, 3, 4, 5 हो चुके हैं, धुआंधार दीजिए। उसके साथ साथ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो राजीव एकेडमी का, गूगल प्ले स्टोर पे जाके वहां से अपना कोर्स परचेज कर सकते हो। अरस्तु बैच लेटेस्ट बैच है और इसकी फीस बहुत कम रखी गई है, आपको ये भी हम बता देना चाहेंगे। अरस्तु बैच की ओनली मात्र 2999 रुपये फीस है। अगर आप पे करते हो कितना, आपने कहा 299, 299, तो आपको अरस्तु बैच मिल जाएगा, और अपना धुआंधार से पढ़िए। थैंक यू सो मच एंड वंडरफुल सेशन। ठीक है ठीक है, ये जब सेशन एंड हो जाता है तो सभी लोग एक बार जरूर, सेशन एंड होने के बाद सभी लोग एक बार जरूर कमेंट्स किया करिए। सर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपकी आंखें बता रही हैं। अच्छा सर, आई टेस्ट करवा लीजिए। हाँ प्रीति, आंखों का चश्मा पहन लेता हूँ, ये सही है। सर आज मुख्य सेविका का क्लास नहीं चली, नहीं चली प्रिया यादव, मुख्य सेविका का क्लास बेटा आज नहीं चला था, और मैंने बताया आज दोपहर की कोई नहीं क्लास चली थी। चलो बहुत अच्छा, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। थैंक यू, आपको अच्छा लगा हमारा पढ़ाना।
तो चलिए सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। बाकी कल मुलाकात होगी सारी क्लासेस के साथ धुआंधार 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक नॉन स्टॉप क्लासेस आपको यूट्यूब एप्लीकेशन मैंने कहा दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आप लोगों के साथ रहूंगा राजीव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कभी एप्लीकेशन पर तो कभी यूट्यूब पर, कभी यूट्यूब कभी एप्लीकेशन पर। तो रात दोपहर 12 से रात 12 तक। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। थैंक यू सो मच।